ये कहा जाए कि एक नकाबपोश की लड़ाई जो है तिलकधारी लड़ रहा है। नहीं नहीं, नकाबपोश और तिलकधारी की बात नहीं है, ये तो हमारे देश की संस्कृति रही है कि सारे धर्म के लोग एक होकर रहते हैं, तो लड़ाई नहीं है, हम लोग समाज सेवा के लिए हैं और समाज सेवा में हमेशा रहते हैं। हाय, मेरा नाम असगर है, मैं इस वक्त सिवान में हूं और सिवान की जो उम्मीदवार हैं हिना शहाब, इस वक्त वो राजद से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पहली बार आप राजद से हट करके चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सिवान के लोगों की डिमांड थी कि हम लोग इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट में आए हैं। आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंट लड़ने से ज़्यादा मतलब वोट? हमको लगता है कि ये सब पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर लड़ने से अच्छा रहता है कि खींचातानी नहीं रहता है, छींटाकसी कोई किसी पे नहीं करता है। आपका इस बार जो आपका रोड मैप है विकास का, वो क्या है? आप जीतेंगी तो क्या करेंगी इस क्षेत्र के लिए? बहुत कुछ करूंगी मैं, बहुत सारी समस्याएं हैं सिवान में, बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं छोटी बड़ी हर तरह की होती हैं, तो उससे हम लोग मिलकर जूझेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे। एक सवाल सिर्फ आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ, मीडिया ने जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहे हैं शहाबुद्दीन साहब की बाहुबली बाहुबली, क्या ये टैग जो है इससे कभी अनकंफर्टेबल होती हैं? आपको नहीं पता होगा 2005 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें विकास पुरुष का खिताब दिया था, तो विकास पुरुष। क्या माहौल है इस बार थोड़ा बताएं? अभी सभी समाज के लोगों का ताकत है, इस वजह से अभी हिना साहब सबसे आगे चल रही हैं। माहौल कैसा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, माहौल का जहां तक बात है, मैडम पहले लड़ती थी आरजेडी से, तो यहां जो फॉरवर्ड मतदाता थे, जैसे हम जैसे एक दो लोग उनके साथ रहते थे, हम लोग का बार बार अपील करने के बाद भी फॉरवर्ड आरजेडी को वोट देना पसंद नहीं करता था। इस बार क्या हुआ कि इस बार एक तो मैडम निर्दलीय आ गई, दूसरा जो एनडीए का प्रत्याशी आया, कभी भी किसी एंगल से फॉरवर्ड को पसंद नहीं आया। हमारे साथ राजद के पूर्व नेता और एमएलसी रह चुके और सिवान से वो 10 साल तक यहाँ के राजद के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने राजद छोड़ दिया है और हिना शहाब के समर्थन में वो आ चुके हैं। आप अपना परिचय दें और बताएं कि राजद क्यों छोड़ा आपने और हिना शहाब क्यों राजद छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। मेरा नाम परमात्मा राम, एक्स एमएलसी सिवान। और राजद क्यों छोड़ा, सबसे पहला जवाब है कि सिवान में राजद था तो शहाबुद्दीन के चलते राजद था, और शहाबुद्दीन इस वक्त अब दुनिया में नहीं हैं, हिना साहब हैं, तो असली राजद के सारे कार्यकर्ता सारे नेता सब सिवान में बनाए हुए शहाबुद्दीन के थे, और उन्हीं के चलते पहचान थी सिवान में कि सारे लोग राजदमय हो गया था। अब जो है हिना साहब निर्दलीय लड़ रही है, इस परिस्थिति में हिना साहब के साथ चाहे अगला हो, पिछला हो, दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे महादलित के लोग हों, सभी वर्ग के लोग उनके साथ एकजुट हो चुके हैं। शहाबुद्दीन साहब जब थे तब भी और हिना साहब आज हैं तब भी, अगर कोई गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का अगर मान और सम्मान और विकास सिवान में करने का कोई काम किया है तो वो शहाबुद्दीन साहब किए हुए हैं, और अगला जो काम होगा वो हिना साहब करेगी। हम शहाबुद्दीन साहब के साथ 1990 से जुड़े हुए हैं, जब वो पढ़ रहे थे हम भी पढ़ रहे थे डीएवी कॉलेज में, एमएलए बने फर्स्ट बार वो, तो उनसे हम जुड़े हुए उनके साथ से, और हमको छात्रावास में रखवाए और कंधे में कंधे मिलाकर काम, दलितों को जो मान सम्मान मिला वह शहाबुद्दीन साहब के राज में मिला, यह किसी के राज में नहीं मिला, उचित अधिकार भी मिला, सम्मान भी मिला, जो उदाहरण हमारे बड़े भाई परमात्मा राम जी हैं। तो हम लोग मरते दम तक, आज ही नहीं मरते दम तक, पूरा सिवान का दलित हिना साहब के साथ है, साधुन के साथ है। गद्दारी दलित नहीं करता है, हम दलित है, गद्दारी शब्द नहीं आता है, झुक जाएंगे, कट्टा स्वीकार करें झुका स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग।